लो जी पंडित आप ये थाल नहीं लेंगे पंडित जी तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं हम यहाँ पूजा करने आए हमें शांति से पूजा करने दीजिए हम लोग भी यहाँ पूजा करने आए तुम्हारे परिवार की मनहूस शक्ल देखने के लिए नहीं ओए ज़बान को लगाम दे वरना वरना तेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं छोड़ूंगा और अपनी ज़बान को लगाम दे बस बहुत हो चुका तू अपनी हद में रहे वरना तेरी सबर का बांध टूट जाएगा नहीं तो क्या कर लोगे रघुवीर सिंह बहू जी के साथ तमीज से पेशा क्या कर रहे हैं आप लोग प्लीज गन नीचे करिए प्लीज इससे समझाओ तुम ये क्या कर रहे हैं आप लोग मंदिर की शांति काय को भंग कर रहे हैं कम से कम भगवान से तो डरिए एकी पुत्र कतारे लाइए आप दोनों की थाली एक साथ में लेता हूँ जटा कटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल विच्चिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन शिरावली माता की जय शिरावली माता की जय जिस भगवान के आगे हम ये प्रार्थना किया करते थे कि हमारी कोशिश कामयाब हो आज आज उसी भगवान के सामने इतना सब कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है ये लोग दुश्मनी को धर्म की तरह निभा रहे हैं क्या करेंगे अब हम बेटा जब मंदिर में झगड़ा चल रहा था ना तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना हम उसी मंदिर में बिना किसी से पूछे बिना किसी को बताए कैंडी और युवराज की शादी कर दे ये क्या कह रही है मम्मा हम ऐसे कैसे कर सकते हैं ये तो गलत होगा मैं जानती हूँ बेटा मैं जानती हूँ ऐसा करना गलत होगा पर बेटा अगर हम बाकी सब चीजों को सही करना चाहते हैं तो फिर यही एक आखिरी रास्ता है मगर मम्मा बेटा मैं इस दुश्मनी को और इन दोनों परिवारों को अच्छी तरह जानती हूँ हम लाख कोशिश कर लें ये लोग नहीं मानने वाले लेकिन अगर कैंडी और युवराज की शादी हो जाती है तो मजबूरन इन्हें अपनी दुश्मनी खत्म करनी ही पड़ेगी क्योंकि किसी के लिए भी बेटा औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता और एक बार कैंडी और युवराज धर्म से पति और पत्नी बन गए तो इनकी दुश्मनी का धर्म भी टूट जाएगा मेरा यकीन करो बेटा ये शादी सब कुछ ठीक कर देगी तभी सब कुछ ठीक होगा मुझ पर यकीन करती हो ना हाँ मम्मा मैं आप पे विश्वास करती हूँ आई ट्रस्ट यू पर मम्मा ये सब ठीक नहीं है तो फिर ठीक है बेटा तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे
मुझे ऐसे लगता है कि ये दुश्मनी का किस्सा तो ऐसे ही खत्म होगा। और तेरा किस्सा भी रस्टी। ये तुम क्या कह रही हो रस्टी? हाँ जी, अब हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हमें युवराज और कैंडी की शादी करवानी ही होगी। पर तुम जानती हो ना कि इससे दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी और भी बढ़ सकती है। हाँ जी, अब इस दुश्मनी को खत्म करने का सिर्फ यही रास्ता है। और जब एक बार ये बंधन हो जाएगा तो दोनों ही फैमिलीज इस बंधन को एक्सेप्ट कर लेंगे। रस्टी, यही बात तो मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ, लेकिन तुम ही खैर, थैंक गॉड कि तुमने ये बात मान ली। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि इससे बात बढ़ने के बजाय बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। और तुम रस्टी, तुम भी तो इस रास्ते के खिलाफ थी, फिर अचानक क्या हो गया तुम्हें? हिम्मत टूट गई तुम्हारी? हिम्मत नहीं टूटी अजीत मेरी, पर मुझसे अब इन दोनों की हालत देखी नहीं जाती। बेहतर यही होगा कि इन दोनों के कोई गलत कदम उठाने से पहले हम पूरी रीति रिवाज के साथ इनकी शादी करवा दें। और अगर ये कदम गलत साबित हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? तुमसे इनकी हालत देखी नहीं जा रही है, पर तुम खुद ही बताओ, क्या तुम इस बात से कन्विंस्ड हो? तुम्हें विश्वास है कि सब सही हो जाएगा? पर अजीत, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से क्या हासिल होगा? होश से काम लो युवराज। देखो, मैं तुम दोनों की शादी के खिलाफ नहीं हूं, पर मेरा ख्याल है कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। कैंडी! अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करती। कैंडी! भाभी, क्या हुआ? मथुरा, तुमने कैंडी को कहीं देखा? नहीं तो? पता नहीं कहाँ चली जाती है। एक मिनट भाभी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना। भाभी, आजकल कैंडी बड़ी खोई खोई सी रहती है। उसकी सगाई के वक्त से ही अब वो पहली वाली कैंडी नहीं रही। देखिए ना, पहले वो कितना चहकती रहती थी, हमेशा इतना खुश रहती थी, पर आजकल तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान तक नजर नहीं आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो? भाभी, उसने आपसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं तो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है मथुरा। अरे हाँ, आजकल घर में जो कुछ हो रहा है ना, शायद उसी को लेकर। हे वाहेगुरु, मेरी सोच गलत हो, पर फिर भी भाभी, आप उसका ख्याल रखो। पापा? बता रही है तो कुछ परेशान सी है। पापा, देखो तो, अगर ये एंगेजमेंट होने की वजह से तेरी परेशानी है तो तू फिक्र मत कर। मैं तेरे लिए बहुत जल्द अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो तुझे बहुत ही खुश रखेगा। पापा, आप मेरी खुशी चाहते हो ना? पुत्र, हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए तो जीते। तो पापा प्लीज, आप मेरे लिए कोई लड़का मत ढूंढिए, इसी में मेरी खुशी है। ये कैसी बातें कर रही है तू? शादी की उम्र हो गई है, शादी नहीं करेगी क्या? पापा, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों भला, ये क्या बात हुई? पापा, मुझे शादी नहीं। पापा, समझते क्यों नहीं? देख पुत्र, मैं तेरा बाप, तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है
मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? आज नहीं तो दो दिन के बाद शादी तेरी होनी है। तो जितने दिन इस घर में तू है, खुश रहेगी तो हमें अच्छा लगेगा। तू सही कह रही थी, इसकी जल्द से जल्द शादी करना बहुत जरूरी है। क्या तू इस घर में किसी को खुश नहीं देखना चाहती? आखिर तू चाहती क्या है? आप तो चाहते हैं ना मॉम कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर जो तू चाहती है वो कभी नहीं हो सकता, समझी? मॉम, आपने तो हमेशा मेरी खुशी, मेरी हर जरूरत पूरी की है ना, तो फिर आज आज आपकी बेटी की खुशी, आज तक तेरी हर जिद, तेरी हर खुशी हमने पूरी की, क्योंकि तेरी खुशी में इस खानदान की खुशी थी। लेकिन आज जो तू जिद कर रही है ना कैली, उससे ये पूरा खानदान बर्बाद हो सकता है, और तू एक गैर के लिए इस खानदान को बर्बाद होते देख सकती होगी, लेकिन मैं नहीं। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए उस लड़के को भुला दे और अपनी शादी के लिए तैयार हो जाए। खाने पे गुस्सा क्यों निकाल रहा है? जो तू चाहता है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, भूल जा कैंडी को। कैसे भूल जाऊं कैंडी को, प्यार करता हूं उससे। हमारे परिवार की दुश्मनी तेरे प्यार से कई ज्यादा गहरी और बड़ी है। तेरे बाबूजी को अगर इस रिश्ते के बारे में पता चल गया ना, तो अनर्थ हो जाएगा। पर माँ, मेरी बात तो समझ नहीं। युवराज, मैंने आज तक तेरी हर बात मानी, मगर आज मैं तेरी इज्जत नहीं मान सकती। कैंडी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। मेरे बच्चे, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, मगर ये रिश्ता नामुमकिन है। ये देख मैं तेरे लिए क्या ला, कैनवस एंड पेंट्स। लेना, देख क्या रही है? और कितना बुरा फील कराएंगे आप मुझे? क्यों नहीं, मैंने क्या किया? पापा, मैं भले ही आपके साथ नहीं रही हूँ, पर बेटी हूँ आपकी। मुझे पता है मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, फिर भी आप मेरे लिए। हाँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हर्ट तो हुआ था, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाप और बेटी के बीच में कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। तो मैं ये भी जानता हूँ कि तूने किन मुश्किलों के बाद अपनी फैमिली को हासिल किया, और तू किसी भी कीमत पर इसके अगेंस्ट नहीं जाएगी। एक्चुअली मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुझ पे शक किया। I'm sorry। अच्छा, पापा के लिए एक बढ़िया सी पेंटिंग बना दी। क्यों कर रही हूं मैं ये सब कुछ? Is it all worth it? जिस परिवार का प्यार पाना मेरा अकेला एम था, क्या कैंडी और युवराज को भगाकर शादी कर देने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा? और मैं तो इस बात पर भी श्योर नहीं हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। अपने आप को सेफ रखने के लिए मैं कैंडी को ऐसे तड़पता नहीं देख सकती। और फिर मम्मा भी तो है मेरे साथ। I must be right। बस I just hope कैंडी तब तक कुछ गलत हरकत ना करे। मुझे जाकर देखना चाहिए।
हेलो कैंडी, युवराज कैसे हो? कैंडी मैंने माँ से बात की थी हमारे बारे में। क्या क्या कहा उन्होंने? वो बाबूजी के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है और ना ही हमारे प्यार को समझने को। अब कैंडी जब मेरी माँ ही मेरे दिल की बात को नहीं समझ रही है तो फिर मैं किसी और से क्या उम्मीद रखूं? मेरे साथ भी कुछ ऐसे हो रहा है युवराज। यहाँ पे मम्मा मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही हैं। बहुत अकेली हो गई हूँ युवराज। मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मैं किसी की परवाह नहीं करती। मैंने तुमसे यही कहने के लिए फोन किया था कैंडी। हम कल मिलते हैं रिवर्स पॉइंट पर। ओके बाय, आई लव यू। यार 4 दिन का है कैंडी, लेकिन हमारी दुश्मनी सालों पुरानी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे क्या पागल हो गई है उसके पीछे कि जरा भी शर्म नहीं रही तुझे? जिन लोगों ने तुझे पाला पोसा, इतना प्यार दिया, पलकों पे बिठा के रखा, आज तो उन सब की जिंदगी दांव पे लगा रही है। एक लड़की की माँ कहलाना गर्व की बात होती है, लेकिन मेरे लिए तुझ जैसी औलाद की माँ कहलाना शर्म की बात है। उस लड़के को तुझे हमेशा के लिए भुलाना होगा, वरना या तो मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगी या तू मेरा मरा मुंह देखेगी। अब सोच ले तुझे क्या करना है। जो भी कहा सच ही कहा। मैं कहाँ किसी के बारे में सोचती हूँ, मैं तो बस अपने ही बारे में सोचती हूँ। तो इतनी टेंशन मत ले, हम बहुत जल्द कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। थैंक्स, तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया रस्टी, पर अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, अब सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, तो ठीक तो है ना?